हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे अपनी एक पुरानी साड़ी से स्कर्ट। ये साड़ी है पूरी, इसको मैंने कई सारे फोल्ड करके ऐसे तय लगा लिया है और 92 सेंटीमीटर जो स्कर्ट है वो उसकी लेंथ है। तो 92 सेंटीमीटर हम यहाँ से इसको नाप के ऐसे कटिंग कर लेंगे पूरी साड़ी की। हमारी साड़ी 92 सेंटीमीटर कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे इसके दोनों छोर को पास पास लाके यहाँ से सील देते हैं। अब हम इसमें घूम भरना स्टार्ट करेंगे ऐसे ऐसे, इस तरह से ये घूम भर जाएंगी। 6 मीटर कपड़े को आप इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, जितने भी बीच में ये आ रहा है उतने में। बाकी जब आप इस पे ऊपर इतनी इलास्टिक जोड़ोगे तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, आपकी कमर के अकॉर्डिंग शेप ले लेगी। पहले अपनी कमर के अकॉर्डिंग इलास्टिक नापेंगे, उसके बाद इस पे इतनी चौड़ी जो कमर है उसकी चीन बनाते हैं। अब हम इसे इस पर चीन लगाएंगे। ये अंदर मैंने दूसरी पट्टी रख ली है क्योंकि ये नेट का है तो आर पार दिखाई देगा, इलास्टिक डालेंगे तो वो वाइट होती है, वो बाहर ना दिखाई दे, इसलिए मैंने इसकी एक पट्टी दूसरी यहाँ पे लगा ली है। इसको ऐसे अब यहाँ से सिलाई करेंगे इस तरह से। हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे कि तीनों जो कपड़े हैं वो साथ साथ चलते रहें इस तरह से। ये इस तरह से सिल के कंप्लीट हुई, ऐसे पलट के लगेगा। अब हम इसे यहाँ से मोड़ेंगे, ऐसे करके आ जाएगा इसकी बेल्ट। इसमें हम प्लास्टिक डालेंगे। अब अपने नाप की एक प्लास्टिक लेते हैं और यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं। इसको खींचना पड़ेगा इस तरह से, हम इसको सील लेंगे। देखो ये इधर से ऐसे दिखाई देंगे, यहाँ से अभी ऐसे। अब इसे उल्टा करके इस पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से इसकी स्टिचिंग हो जाएगी। ये बेल्ट ये लग गई, एक सिलाई यहाँ पर ये अंदर की साइड से हमने लगाई थी और ये सिलाई यहाँ पे हमने बाहर की साइड से लगाई है। अभी हमारी ये स्कर्ट पहनने के लिए तैयार है। ये हमारी स्कर्ट तैयार। जैसे कि ये साड़ी में फॉल लगा हुआ था, ये फॉल यहाँ तक आ रहा है, चाहे तो हम इस फॉल को यहाँ पर भी कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें नीचे हमने साटन का कपड़ा ऐड किया है ताकि सेम टू सेम दिखाई दे। ये एकदम मस्त स्कर्ट तैयार, और आराध्या ने मुझे पहन कर भी दिखा दी। इट्स डन। आप इसी तरह से बहुत आसान तरीके से अपनी स्कर्ट बना सकते हैं अगर किसी को बनानी है तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।